नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 अक्टूबर 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें चार इश्यूज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को डिस्कस करने वाले हैं, तो टाइम भी इसमें लगेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर मैनेजमेंट इशू को, और तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया मैक्सिको रिलेशंस को, और चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कुलभूषण जाधव से संबंधित केस को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, कैसे होती है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस कंटेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो आइडिया है वो इमर्ज होता है। देखो, 19वीं सेंचुरी में लाइबिग और वोलर, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इन्हीं के काम के बदौलत एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने लगा, और एग्रीकल्चर में यील्ड जो है, यानी फसलों की जो पैदावार है, वो कई गुना तक बढ़ गई। लेकिन आपको पता है, अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस में इस्तेमाल किया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होने लगते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा एग्रीकल्चर में, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होने लगे। जैसे फूड चेन में हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो एंटर हो गए, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचने लगा, सोयल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होने लगी। हमारे देश की पर्टिकुलरली हम बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, यानी 1965 के आसपास जब हरित क्रांति आई थी, तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, बोला कि थोड़े समय के लिए तो आपकी पैदावार बढ़ गई, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के अगेंस्ट कई तरह के आइडियाज़ इमर्ज होने लगे। सिंपल भाषा में कहूँ तो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बोला कि भैया इस प्रकार से खेती कर लो, इसमें केमिकल्स का यूज़ कम होगा। मतलब इस प्रकार के बहुत सारे आइडियाज़ आए। एग्जाम्पल के तौर पर रूडोल्फ स्टीनर ने अपना आइडिया प्रेजेंट किया बायोडायनामिक्स, मतलब आप बायोडायनामिक्स फार्मिंग करोगे तो इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल कम होगा। इसी प्रकार से फुकोका ने कहा कि एक मेथड फार्मिंग का मैं बताता हूँ, इसमें भी केमिकल्स का जो इस्तेमाल है वो कम होगा। फुकोका का मेथड है वन स्ट्रा रेवोल्यूशन। देखो, ये अलग अलग मेथड्स हैं फार्मिंग के, लेकिन आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक ये मेथड्स नहीं है। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये तो सिर्फ हम कंटेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं किस कंटेक्स्ट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो आइडिया है वो इमर्ज हुआ। उसी प्रकार से देखो, मदगास्कर में भी फार्मिंग का एक मेथड इमर्ज हुआ, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इंडिया में भी बहुत सारे फार्मिंग के जो मेथड्स हैं या फिर वेरियंट्स हैं वो इमर्ज होकर आए। फोकस सबका इसी बात पर था कि केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम हो। जैसे वैदिक फार्मिंग करो, नाटू इको फार्मिंग करो, अग्निहोत्रा फार्मिंग कर लो, या फिर अमृत पानी फार्मिंग कर लो, इन सभी फार्मिंग के मेथड्स में एक बात सेंट्रल है कि केमिकल्स का इस्तेमाल कम होता है। और देखो, फार्मिंग के वो सारे मेथड्स जिनमें या तो केमिकल का इस्तेमाल होता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम होता है, ऐसे मेथड को आप एक अम्ब्रेला टर्म के नाम से जान सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बोलूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बड़ा सर्कल है, और बड़े सर्कल के अंदर ये सारे मेथड आ जाएंगे जो भी हमने अभी डिस्कस किए, वन स्ट्रा रेवोल्यूशन या फिर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये सारे मेथड्स जो अभी हमने जाने, जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल या तो नहीं होता है या फिर बहुत ही कम होता है, इनके लिए एक अम्ब्रेला टर्म है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसे ही फार्मिंग के मेथड्स की लिस्ट में एक जो मेथड है वो कुछ ही समय पहले ऐड हुआ है, और इस मेथड का नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में भी केमिकल्स का जो इस्तेमाल है नहीं होता है। इस फार्मिंग के मेथड को लोकप्रिय बनाया गया है सुभाष पालेकर के द्वारा। सुभाष पालेकर काफ़ी सारी बातें बोलते हैं। वो तो ये बोलते हैं जो भी नॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा क्रिएट की गई है वो गलत है। मिस्टर लाइबिग, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया, उनके बारे में ये बोला जाता है सुभाष पालेकर के द्वारा वो झूठे हैं। सुभाष पालेकर, जिन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के आइडिया को पॉपुलराइज किया, वो आगे जाते हुए बोलते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स ये तो डेमोनिक सब्सटेंस हैं। डेमोनिक का मतलब है राक्षसी, शैतानी सब्सटेंस हैं।
और वो ये भी बोलते हैं गाय की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, ये भी इससे भी जो गाय बन जाती है, मतलब एक गाय की ब्रीडिंग दूसरे के साथ कर दी गई, हाइब्रिड ब्रीडिंग हो गई, तो इससे जो गाय प्रोड्यूस होंगी वो राक्षसी स्पीसीज होंगी। सुहास पालेकर ये भी बोलते हैं ट्रैक्टर बायोटेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है वो भी राक्षसी टेक्नोलॉजी है। एक स्टेप आगे जाते हुए सुभाष पालेकर इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही क्रिटिसाइज कर देते हैं, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो दूसरे मेथड्स आते हैं उनको भी क्रिटिसाइज कर देते हैं सुभाष पालेकर। उनका मानना है मेरा जो आइडिया है वो बिल्कुल सही है, बाकी सब जो आइडियाज़ हैं वो गलत हैं। सुभाष पालेकर बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग तो केमिकल फार्मिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो वर्मी कंपोस्टिंग को भी एक स्कैंडल का नाम देते हैं। सुभाष पालेकर ये भी बोलते हैं मेरा जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मेथड है ना वो इनऑर्गेनिक फार्मिंग से भी अलग है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी अलग है। सुभाष पालेकर का मानना है सोयल के अंदर, अब आप ध्यान से सुनिएगा, सुभाष पालेकर का मानना है सोयल के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता प्लांट्स को होती है, मतलब क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए जिन भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो सारे सोयल के अंदर होते हैं, ऐसा मानना है सुभाष पालेकर का। आवश्यकता इस चीज़ की है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सोयल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक लेके जाएं। समझ गए आप आइडिया को? इनका मानना है न्यूट्रिएंट्स तो सारे हैं सोयल के अंदर, लेकिन हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आवश्यकता है जो उन सोयल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक लेके जाएं, प्लांट्स की रूट्स तक लेके जाएं। इसके बाद सुभाष पालेकर ये बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो चार व्हील्स पर, चार पहियों पर टिकी हुई है। कौन से हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के चार पहिए? बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वापसा। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। बीजामृत का क्या मतलब है? बीजामृत का मतलब देखो ये है जो सीड्स हैं यानी जो बीज हैं उनकी माइक्रोबियल कोटिंग की जाती है। कैसे की जाती है माइक्रोबियल कोटिंग? जैसे देखो ये सीड्स हैं, सीड्स के ऊपर गाय का यूरिन या फिर गाय का जो गोबर है उसका लेप लगा दिया गया, तो इससे क्या होगा कई तरह के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सोयल में चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा पहिया है जीवामृत। जीवामृत में क्या होता है सोयल माइक्रोब्स यानी सोयल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया इत्यादि, इनकी संख्या को इंक्रीज किया जाता है। संख्या को कैसे इंक्रीज किया जाता है? काउडंग, गाय का गोबर, गाय का यूरिन, गुड़, इन सब चीज़ों की सहायता से। तीसरा व्हील है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है? मल्चिंग में देखो सोयल को यानी मिट्टी को ढक दिया जाता है पत्तों से, क्रॉप के रेजिड्यूज से, इन सब चीज़ों से। और सबसे लास्ट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो चौथा पहिया है वो है वापसा। वापसा में क्या होता है? देखो आप पिछले पहिए में ध्यान दीजिए, पिछले पहिए में क्या हुआ था? मल्चिंग में सोयल को ढक दिया गया था पत्तों से या फिर क्रॉप रेजिड्यूज से। अब इन सब का डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन जब होगा पत्तों का तो ह्यूमस क्रिएट होगा। ह्यूमस क्रिएट होने से क्या होगा? सोयल का एरेशन बढ़ेगा। एरेशन मतलब एटमॉस्फेयर में जो हवा मौजूद है उसका इंटरेक्शन जब सोयल के पोर्स के साथ होता है तो इसे आप कहते हो सोयल एरेशन। और यही है चौथा स्टेप वापसा। वापसा में क्या होता है? ह्यूमस क्रिएट होता है और सोयल में हवा आ जाती है। तो ये चार पहिए जो हैं वो सेंट्रल पिलर हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि फार्मिंग के दौरान देखो बहुत सारे अनडिजायरेबल स्पीशीज भी अटैक कर देते हैं, जैसे कॉकरेज हो गया, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, उन सब का अटैक हो जाता है, तो उनसे कैसे निपटा जाए? इसके लिए तीन मेथड्स सुझाए जाते हैं सुभाष पालेकर के द्वारा। पहला मेथड है अग्निस्त्र, दूसरा ब्रह्मास्त्र, तीसरा निमास्त्र। बस आप नाम याद रख लीजिए, आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि अग्नियास्त्र में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, नीम, हल्दी, अदरक, या फिर ब्रह्मास्त्र में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, या फिर निमास्त्र मेथड जो है पेस्ट को मैनेज करने का उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। डिटेल से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए। देखो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, कैसे होती है।
अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेज करना चाहिए? शायद आपके मन में आया होगा हाँ, क्योंकि जितना अभी तक आपने डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको लगा होगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे फार्मर्स की जो कॉस्ट है खेती करने की वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि महंगे महंगे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सोइल को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि फर्टिलिटी जो है वो बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, रिसोर्सेज जैसे देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का भी काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में इनका यूज़ कम होगा तो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट फ़ायदा ये होगा जो फूड प्रोड्यूस हुआ है उसमें भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका असर कम होगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथड का अगर इस्तेमाल किया जाता है। मेथड आसान है, वुमेन भी नेचुरल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथड यूज़ कर सकती हैं, तो उनका भी एम्पावरमेंट होगा, उनकी जो डिपेंडेंसी है कि महंगे फर्टिलाइजर्स को मार्केट से खरीद के लाना, इन सब चीज़ों पर कम होगी। फार्मर्स की जो हेल्थ है वो भी सही रहेगी, क्योंकि केमिकल्स का इस्तेमाल फार्मिंग में होता है तो वही हार्मफुल केमिकल्स फार्मर्स की बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं। तो इन सब एडवांटेजेस के आधार पर तो देखो यही कहा जा सकता है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो मेथड है वो अच्छा है, इसे इस्तेमाल में लाओ। लेकिन लेकिन असली जो आर्टिकल है वो अब स्टार्ट होता है। आज वो राइटर जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में बहुत सारे जो मिथ्स हैं वो एड्रेस करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के मेथड को। आज के राइटर का कहना है देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का वास्तव में जो बजट है वो जीरो होता है। इतने सारे मेथड्स हैं जो ये अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, जैसे मिर्च का इस्तेमाल करो, नीम का इस्तेमाल करो, इनके पैसे लगेंगे ना। इवन गाय का गोबर, गाय के यूरिन की बात की गई है, आप गाय को डोमेस्टिकेट करोगे उसका भी तो खर्चा आएगा ना। इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसे हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर पंप इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फैमिली लेबर मान लीजिए, या फिर आपको बाहर से भी लेबर हायर करनी पड़ती है, तो मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप यूँ नहीं कह सकते कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में वास्तव में जो बजट है वो जीरो है, वास्तव में बजट जीरो नहीं है, काफ़ी खर्चा होता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, अभी तक देखो कोई ऐसी इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं है जो ये बोलती हो कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से जो फसल की पैदावार है वो बढ़ती है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की एक रिपोर्ट है कि हाँ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अच्छी है, लेकिन वो तो देखो जिस एजेंसी ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की है वही बोल रही है कि हाँ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जो पैदावार है वो अच्छी है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेल्यूएशन नहीं है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने कुछ काम किए, गवर्नमेंट तो बोलेगी ना हमने जो काम किए हैं वो अच्छे किए हैं, ये तो दूसरे लोग तय करेगी, जनता तय करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए गए हैं वो कितने अच्छे हैं वो कितने गलत हैं। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक फील्ड ट्रायल किया गया था, रिपोर्ट जो है वो 5 साल बाद अवेलेबल होगी, लेकिन कुछ रिलायबल सोर्सेज इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शुरुआती रुझान जो हैं इस ट्रायल से ये मिले हैं, बल्कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से जो पैदावार है वो 30% तक कम हो जाती हैं। तो ये काइंड ऑफ दूसरा क्रिटिसिज्म है जो कहता है ऐसी कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं है जो बोलती हो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। अब तीसरे क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, मिस्टर सुभाष पालेकर का ये बोलना है कि सोयल के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो प्लांट्स को चाहिए, जबकि देखो ये बात गलत है। साइंस बोलती है कि इंडिया के जो सोयल हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट के मामले में, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए सोयल में वो काफ़ी कम मिलता है भारतीय सोयल में। हमारे इंडिया की 59% जो सोयल है उसमें नाइट्रोजन की कमी है, 49% सोयल में फॉस्फोरस की कमी है, और 48% जो सोयल है उसमें पोटेशियम की कमी है। इसके अलावा ना सिर्फ इंडिया की सोयल में काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, इन सब की कमी है, बल्कि बहुत सारे ऐसे
न्यूट्रिएंट्स इंडिया की सोइल में मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब उन न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट क्रॉप्स को नहीं हो पाता। कई सारे रीजन्स में सोइल जो है वो सेलिन है, कई सारे रीजन्स में सोइल्स जो हैं वो एसिडिक हैं, और कई सारे रीजन्स में सोइल जो है वो टॉक्सिक हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से या फिर म्यूनसिपल वेस्ट की वजह से। कहने का देखो सिंपल मतलब ये है, देश के अलग अलग इलाकों में सोइल की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। किसी इलाके की सोइल में नाइट्रोजन ठीक ठाक है तो फोर्स फोर्स कम है, लेकिन किसी दूसरे इलाके में ऐसा हो सकता है नाइट्रोजन ज़्यादा है तो पोटेशियम कम है। समझ गए? तो साइंटिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं, साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि भैया आप सोइल की टेस्टिंग करवा लो। फार्मर्स को बोलते हैं, सरकार भी बोलती है कि आप सोइल को टेस्ट करवा लो, पता लग जाएगा आपकी सोइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स ठीक ठाक हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। उसके बाद आप रेलेवेंट फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इवन न्यूट्रिएंट्स को आप इंटीग्रेटेड ढंग से मैनेज कर सकते हो। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक मेन्योर को भी शामिल किया जाता है, जैसे क्रॉप रेजिड्यूज हो गए, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, हरे रंग की खाद होगी, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ। तो ये तभी पॉसिबल होगा ना जब सोयल की टेस्टिंग होगी। लेकिन सुभाष पालेकर तो ये बोलते हैं सोयल टेस्टिंग इज ए कंस्पायरेसी, मतलब सोयल की टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ये तो एक षड्यंत्र है। तो मतलब आपको धीरे धीरे अब लग रहा होगा कि जो बातें मिस्टर सुभाष पालेकर ने बोली हैं तो ये तो साइंटिफिक टेम्पर के अगेंस्ट हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मिस्टर पालेकर का ये भी बोलना है कि देखो 98.5% न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते हैं एयर, वाटर और सनलाइट से। फिर से बोलता हूँ, मिस्टर पालेकर का ये बोलना है प्लांट्स को 98.5% जो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं वो तो देखो हवा से, पानी से और सूर्य की किरणों से मिल जाते हैं, बाकी सिर्फ 1.5% जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को वो सोयल से मिलते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स सोयल से मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सोयल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक लेके जाएंगे, और उसके लिए टेक्निक है जीवामृत। जीवामृत में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या को इंक्रीज कर दिया जाता है, कैसे, गाय की गोबर की सहायता से और काउ यूरिन की सहायता से। तो सुभाष पालेकर का बोलना है देखो 1 महीने में 1 एकड़ में 10 किलोग्राम गाय का गोबर और 10 लीटर गाय का यूरिन, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये सफिशेंट है सोयल न्यूट्रिएंट्स जितना चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। लेकिन राइटर ये बोलते हैं सुभाष पालेकर के हिसाब से 5 महीनों का एक सीजन होता है, तो 1 एकड़ में 50 किलोग्राम गाय का गोबर और 50 लीटर गाय का यूरिन, इतना सफिशियंट है सोयल न्यूट्रिएंट्स को जनरेट करने के लिए। लेकिन राइटर बोलते हैं इतने गोबर और इतने काऊ के यूरिन से सिर्फ 750 ग्राम नाइट्रोजन पर एकड़ जनरेट होगा एक सीजन में, जो कि बहुत ज़्यादा इनसफिशियंट है, मतलब अपर्याप्त है, क्योंकि हमारे इंडिया के जो सोइल्स हैं उनमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। समझ गए? यानी आसान शब्दों में बात करें तो जो मेथड बताया जाता है सोइल न्यूट्रिएंट्स के लिए सुभाष पालेकर के द्वारा, वो मेथड सफिशिएंट नहीं है आवश्यक सोइल न्यूट्रिएंट्स को जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जितना चाहिए उतना जनरेट नहीं हो पाएगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से। फाइनली जो क्रिटिसिज्म है वो ये है, काफ़ी सारी बातें बोली जाती हैं सुभाष पालेकर के द्वारा कि वो किसान जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करते हैं उनको शराब पीना छोड़ देना चाहिए, जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए, झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, और नॉन वेजिटेरियन पदार्थ को खाना छोड़ देना चाहिए, रिसोर्सेज को वेस्ट करना छोड़ देना चाहिए। मतलब सुभाष पालेकर बोलते हैं इंडियन फिलोसफी जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में गाय को बिल्कुल केंद्र बिंदु पर रखते हैं, और उनका ये भी मानना है कैटल की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, जबकि ये झूठ है। सरकार के आंकड़े शो करते हैं कैटल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। वो गो भक्तों के साथ भी, जो गो रक्षक हैं उनके साथ भी सहानुभूति रखते हैं। तो ये क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कल्चरल शोविनिज्म के। मतलब आपको ये लगता है आपका जो कल्चर है वो सुपीरियर है, सबसे अच्छा है, और बाकी जो कल्चर्स हैं वो खराब हैं। आप
घरेलू नॉलेज को किसी ना किसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हो और साबित करना चाहते हो ये जो नॉलेज है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हमने 5 क्रिटिसिज्म डिस्कस किए। कौन कौन से क्रिटिसिज्म डिस्कस किए एक बार जल्दी से आप बता दीजिए। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था कि वास्तव में ऐसा नहीं कि जीरो बजट होता है, इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, कुछ पैसा लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज भी खर्च होते हैं। दूसरा, कोई इंडिपेंडेंट स्टडी है नहीं जो बोलती हो कि पैदावार वास्तव में बढ़ती है। तीसरा क्रिटिसिज्म ये बोलना गलत है कि इंडिया की सोयल में वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिनकी इंडिया की सोयल को आवश्यकता है। चौथा क्रिटिसिज्म, गाय के गोबर से, गाय के यूरिन से उतना नाइट्रोजन या फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जिनकी सोयल को आवश्यकता है। पांचवा क्रिटिसिज्म, ये साबित करना कि हमारा कल्चर जो है वो सुपीरियर है और दूसरा जो कल्चर है वो खराब है, हमारी जो नॉलेज है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये चीज़ें जो हैं वो कल्चरल शोविनिज्म को शो करती हैं। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी का फोकस इस बात पर होना चाहिए कि सोयल हेल्थ को इम्प्रूव करना है और ये इंश्योर करना है सोयल का इरोजन कम से कम हो, पानी जमा होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो सोयल का डिग्रेडेशन हो जाता है वो ना हो। हमें एग्रीकल्चर पॉलिसी में ये भी इम्प्रूव करना है कि सोयल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो, सोयल हमारी सैलिन ना हो, एसिडिक ना हो, एल्कलीन ना हो, टॉक्सिक ना हो। इसके लिए देखो हमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता है, हमें लोकेशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन की आवश्यकता है, मतलब अलग अलग रीजन में जो सोयल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं। हमें पता कैसे लगेगा सोयल की रिक्वायरमेंट क्या है, सोयल को टेस्ट करके। टेस्ट करने के बाद हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं, मतलब ना सिर्फ हम ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर केमिकल्स थोड़े बहुत चाहिए तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब टोटली केमिकल्स से नफरत करना, केमिकल्स का इस्तेमाल करना ही नहीं है, इससे तो हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमें नुकसान होने वाला है और ये चीज़ साइंटिफिक टेम्पर के भी अगेंस्ट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा हमें समय भी लग गया, लेकिन इसके बाद आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है आज के डिस्कशन का वो वाटर मैनेजमेंट से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो पिछले साल दिसंबर में एक डॉक्यूमेंट नीति आयोग के द्वारा प्रेजेंट किया गया। डॉक्यूमेंट का नाम था स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है अलग अलग एरियाज में 2022-2023 तक हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, एजुकेशन सेक्टर में हमें क्या अचीव करना है 2022-2023 तक, इस प्रकार से अलग अलग 41 एरियाज में ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं। वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव्स भी इस डॉक्यूमेंट में बताए हुए हैं। लेकिन राइटर के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं या फिर जो स्ट्रेटजी बताई गई है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इन अनरियलिस्टिक है। काफ़ी सारी नेशनल वाटर पॉलिसीज पहले आ चुकी हैं, वो फेल हो गई, उसी प्रकार से जो स्ट्रेटजी बताई गई है नीति आयोग के इस डॉक्यूमेंट में वो भी फेल हो जाएगी, वो भी अनरियलिस्टिक है। देखो कोई भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग तब सफल होती है जब 3 पिलर्स पे फोकस किया जाता है। पहला तो पास्ट की गलतियों से सीखा जाता है, दूसरा जो गोल्स डिसाइड किए जाते हैं प्लानिंग में वो इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। अब देखो किसी ने अभी अभी UPSC की तैयारी स्टार्ट की है, वो अपना प्लान बनाता है, लेकिन प्लान ये बनाता है कि मैं 2 दिनों के अंदर लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ दूंगा, तो आप बताइए क्या ये रियलिस्टिक गोल है या फिर नहीं है? नहीं है ना। तीसरा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इस बात पर ध्यान देना जरूरी होता है अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, मतलब इम्प्लीमेंट कौन करेगा चीज़ों को। तो कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तब सफल होती है जब इन 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन अब हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कैसे नीति आयोग ने अपने डॉक्यूमेंट में वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने की जो स्ट्रेटेजी बताई है वो इन तीनों चीज़ों को, तीनों पिलर्स को इग्नोर कर देती है। सबसे पहली चीज़, पास्ट मिस्टेक से नहीं सीखा गया है नीति आयोग के द्वारा। पास्ट में देखो एक आइडिया जिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता रहा है और वो आइडिया अभी फेल हो गया है, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच। क्या मतलब होता है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट का? ये देखो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है किनके बीच,
वाटर रिसोर्सेज को, लैंड रिसोर्सेज को, या फिर दूसरे रिसोर्सेज को कंजर्व करना, मैनेज करना, डेवलप करना, इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है इस प्रकार से कि बेनिफिट्स जो हैं लोगों को, इकोनॉमिक या फिर सोशल बेनिफिट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाए, मतलब उनका वेस्टेज ना हो, और फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम है उसे रिस्टोर कर लिया जाए। तो ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट की। इस आइडिया पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है पास्ट में, लेकिन ये आइडिया फेल हो गया है। पिछले 70 सालों में कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, कि ठीक ठाक रिवर बेसिन को मैनेज किया गया हो। बिल्कुल छोटे स्केल पे तो देखो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन मॉडरेट बेसिन को कहीं भी मैनेज नहीं किया गया है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट डेफिनेशन के हिसाब से। इवन पहले यह भी बोला जाता रहा है कि रिवर बेसिन को मैनेज करने के लिए रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाए। रिवर बेसिन का क्या मतलब होता है? देखो, जितने एरिया को कोई नदी या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वो ड्रेन करती हैं, सींचती हैं, उस एरिया को कहा जाता है रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन को मैनेज करने के लिए अलग से रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाएँ, ऐसा पास्ट में बोला जाता रहा है, जो पहले हमारी नेशनल वाटर पॉलिसीज आई हैं उनमें। लेकिन देखो, अभी तक एक भी रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं इस्टेब्लिश किया गया है रिवर बेसिन को मैनेज करने के लिए। कहने का मतलब साफ, क्या ये आइडियाज़ फेल हो चुके हैं? लेकिन फिर से नीति आयोग इन्हीं आइडियाज़ पर फोकस कर रहा है, इन्हीं आइडियाज़ को बार बार रिपीट कर रहा है। एक और फील्ड आइडिया है वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको इस्टेब्लिश किया जाए वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। अब देखो, महाराष्ट्र ने इस प्रकार की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया था 2005 में, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं इस प्रकार की अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने से, बल्कि वाटर मैनेजमेंट पहले से भी ज़्यादा बुरी हो गई। तो जब ये आइडिया फेल हो गया है, तो क्यों ये कहा जा रहा है इस आइडिया को पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया जाए? तो कहने का मतलब साफ है, पास्ट गलतियों से नहीं सीखा गया है। इवन देखो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का दूसरा मेन पॉइंट होता है कि आपके गोल्स इंप्लीमेंटेबल होने चाहिए, लेकिन नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में बात की जाती है कि अभी देखो काफ़ी ज़्यादा गैप है, इरिगेशन का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो इस गैप को कम किया जाए, मतलब जितना इरिगेशन का पोटेंशियल हो उसे यूटिलाइज भी किया जाए, और इसके लिए वाटर मिनिस्ट्री को एक एक्शन प्लान ड्रा करने की आवश्यकता है, और कमांड एरिया डेवलपमेंट की आवश्यकता है इस गैप को कम करने के लिए। कमांड एरिया डेवलपमेंट एक स्कीम थी जो आई थी 1974-1975 में, मकसद यही था इरिगेशन पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए। तो आर्टिकल में कहा जाता है, देखो नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में ये रिकमेंडेशन दे दी गई कि कमांड एरिया डेवलपमेंट को कंप्लीट किया जाए, मतलब उस स्कीम को कंप्लीट किया जाए, लेकिन इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि कैसे ये स्कीम काम करती है और क्या कमियां हैं इस स्कीम में। अब कुछ गोल्स पर नज़र डाल लेते हैं, क्या गोल्स बताए गए हैं इस नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में। जैसे देश के सभी सिटीजन्स को लाइव स्टॉक को पर्याप्त मात्रा में सेफ पाइप्ड वाटर सप्लाई दी जाएगी। नेक्स्ट, सभी खेतों में इरिगेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, गंगा में कंटिन्यूस और क्लीन फ्लो इंश्योर किया जाएगा। नेक्स्ट, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर ऑपरेशन के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। नेक्स्ट, जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे कोई झील है, तालाब है, रिवर जा रही है, इनको, इनका जो पूरा पोटेंशियल है उसे यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, अभी देखो काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल यूनिट से जो कूड़ा करकट है, गार्बेज है, या फिर हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो नदियों में बहा दिए जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में बहा दिए जाते हैं। हम ये इंश्योर करेंगे ऐसा कुछ ना हो। अब देखो, ये सारे जो गोल्स हैं वो अनरियलिस्टिक से लगते हैं, जैसे हर एक सिटीजन तक सेफ पाइप वाटर सप्लाई पहुंचाई जाएगी। पिछले 72 सालों में किसी भी स्टेट में इनमें से कोई भी गोल अचीव नहीं किया गया है, और कुछ गोल्स जैसे हर खेत को पानी, हर एक खेत में पानी पहुंचाया जाएगा, ये तो सिंपली अनअचीवेबल है, मतलब इस गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। फिर भी इस प्रकार के गोल्स के बारे में बात की गई है। और तीसरा पॉइंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो सबसे अहम होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे कि किनको इंप्लीमेंट करना है इन गोल्स को, अगर वो
अगर ये गोल्स इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लेकिन इस प्रकार की कोई भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है गोल्स में, पता ही नहीं कि कौन इन गोल्स को इंप्लीमेंट करेगा। जैसे देखो, एक सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्रियल बॉडीज़ को एंकरेज किया जाएगा कि वो रिसाइकल्ड वाटर को यूज़ करें, तो क्या होगा इसके लिए? मतलब कैसे ये मुमकिन बनाया जाएगा? क्या फाइनेंशियल मिनिस्ट्री इंसेंटिव देगी उन इंडस्ट्रीज़ को किसी प्रकार का, या फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लाइसेंस कैंसिल कर देगी उन इंडस्ट्रीज़ का जो रिसाइकल्ड वाटर इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, या फिर जो स्टेट वाटर मिनिस्ट्रीज़ हैं वो फ्रेश वाटर की सप्लाई रोक देंगी उन इंडस्ट्रीज़ को जो रिसाइकल्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? आप कुछ तो बताओ कि एक्शन क्या होगा, मतलब कौन एक्शन लेगा, कैसे एक्शन लेगा। बस आपने सिंपली ये कह दिया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एंकरेज किया जाएगा। भैया ये तो बताओ, एंकरेज कौन करेगा, कैसे करेगा? इसके बाद देखो, ये कहा जाता है आर्टिकल में, कुछ चैलेंजेस की बात भी कही गई है नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में, और चैलेंजेस के नाम पे सिर्फ एक ही चैलेंज बोला गया है, वो ये है 1982 का एक एक्ट, ईजमेंट एक्ट। ईजमेंट एक्ट 1882 के अनुसार, देखो ये मान लीजिए किसी पर्सन का लैंड है मोहनलाल का, तो इस लैंड में कोई बोरवेल की खुदाई करके जो पानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस पानी की जो ओनरशिप होगी वो मोहनलाल के पास ही होगी। मतलब मोहनलाल का लैंड है और उस लैंड के नीचे से जो पानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका मालिकाना हक भी मोहनलाल के पास होगा। और ये एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि देखो हर किसी ने अपने खेत में बोरवेल की खुदाई कर ली है, या फिर कई प्रकार के पंप इस्टाब्लिश कर लिए हैं, और बिजली तो आपको पता है सस्ती मिलती ही है, तो बड़े स्केल पर पानी का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है इस एक्ट की वजह से। सिर्फ यही कंस्ट्रेंट बताया गया है हमारे नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में, जबकि देखो चैलेंजेस और भी बहुत सारे हैं। जैसे देखो पानी पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है विभिन्न सरकारों के द्वारा, ऑलरेडी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। क्रॉपिंग पैटर्न इस प्रकार का है कि पंजाब जैसे एरियाज़ में भी धान की खेती की जाती है, महाराष्ट्र के कई एरियाज़ में कायदे से गन्ने को ग्रो नहीं करना चाहिए लेकिन वहाँ पर भी ग्रो किया जा रहा है। मतलब क्रॉपिंग पैटर्न जो है क्लाइमेट के साथ अलाइन नहीं है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेटेड है काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से। बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं वो पाइप वाटर सप्लाई नहीं प्राप्त कर रहे हैं बहुत सारे रीजन्स की वजह से। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, इनके बारे में बात करनी चाहिए थी नीति आयोग के डॉक्यूमेंट को, लेकिन उन्होंने नहीं की। वे फॉरवर्ड में जो रिफॉर्म्स बताने चाहिए थे उस प्रकार के रिफॉर्म्स भी नहीं बताए गए हैं। जैसे देखो, कम से कम ये तो बोलना चाहिए था ना कि ईजमेंट एक्ट 1882 को अमेंड करने की आवश्यकता है, ये भी नहीं बोला गया। ये बोला गया सोलर पंप्स को एंकरेज किया जाएगा। ठीक है, सोलर पंप्स को अगर एंकरेज किया जाता है तो किसानों का जो इनकम लेवल है वो बढ़ता है, लेकिन देखो सोलर पंप से किसानों को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ती प्राप्त होगी और वो और ज़्यादा पंप्स का इस्तेमाल करेंगे नीचे से पानी को और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इससे तो ग्राउंड वाटर और ज़्यादा डिप्लीट होगा। इसके अलावा जो रियल कंस्ट्रेंट्स हैं, रियल चैलेंजेस हैं, उनको भी आइडेंटिफाई नहीं करता है डॉक्यूमेंट। जैसे देखो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी पेंडिंग हैं, केन बातवा रिवर लिंक, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इंडिया नेपाल पंचेश्वर प्रोजेक्ट, सियांग प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट का। डॉक्यूमेंट सिर्फ इतना बोलता है इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने की आवश्यकता है, लेकिन भैया आप ये तो बताओ ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे हैं? मेजर रुकावट इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन में ये है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दी जाती है, मतलब PIL फाइल कर दी जाती है NGT में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या फिर कई हाई कोर्ट्स में, और इनकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लटकते रहते हैं, काफ़ी समय लग जाता है प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने में। तो आपको कुछ ऐसा सजेशन देना चाहिए था कि इस प्रकार से PIL का मिसयूज ना हो और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा देखो, डॉक्यूमेंट जो है वो इस बात का संज्ञान भी नहीं लेता है कि कई सारे पहले अच्छे कानून बने हैं लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छी नहीं है। जैसे देखो, नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ, ये अच्छा था। इसके अलावा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इसमें अमेंडमेंट के लिए बिल प्रेजेंट किया गया था लेकिन ये एक्ट नहीं बना है। डैम सेफ्टी बिल, ये सिर्फ बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना है। मतलब ये अच्छे एक्ट्स, अच्छे बिल हैं लेकिन अभी इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है।
लास्ट में एक बात यही बोली जाती है कि नीति आयोग को तो देखो सबसे पहले ये मानना चाहिए था कि पास्ट की जो स्ट्रेटजीज हैं वो फेल हो गई हैं। जब कोई बॉडी ऐसा मानती है कि हाँ पास्ट की रणनीति फेल हो गई है तभी वो अच्छी रणनीति प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन नीति आयोग ने इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने में बहुत सारी गलतियाँ की, खास करके वाटर एरियाज में उन्होंने पास्ट की मिस्टेक्स को स्वीकार नहीं किया, इस वजह से वो बेहतर सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं कर सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया मेक्सिको रिलेशंस से संबंधित है, आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है इंडिया में मेक्सिको के जो एम्बेसडर हैं फेडरिको सालाज उनके द्वारा। तो काइंड ऑफ इस आर्टिकल में आपको क्रिटिसिज्म नहीं देखने को मिलेगा, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें देखने को मिलेंगी। फेडरिको सालाज ये बोलते हैं 69 साल पूरे हो चुके हैं जब इंडिया और मेक्सिको के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टाब्लिश हुए थे, और इंडिया और मेक्सिको के बीच जो रिलेशंस हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप इस्टाब्लिश हुई थी 2007 में, अब दोनों देश काम कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टाब्लिश हो। देखो इंडिया और मेक्सिको दोनों का एक कॉमन गोल है सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूजन, इसके लिए दोनों देश तैयार हैं आपस में ट्रेड को प्रमोट किया जाए, प्रायोरिटी सेक्टर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव किया जाए, मतलब मेक्सिको इंडिया की मार्केट को आसानी से एक्सेस कर सके और इंडिया मेक्सिको की मार्केट को आसानी से एक्सेस कर सके, इस प्रकार का प्रोविज़न किया जाए। इसके अलावा टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए और काफ़ी सारे एरियाज जैसे एनर्जी साइंस टेक्नोलॉजी इनमें भी कोऑपरेशन को तैयार हैं इंडिया और मेक्सिको। देखो हमारी जो कोलैबोरेशन है यानी इंडिया और मेक्सिको की जो कोलैबोरेशन है इससे मल्टीलेटरलिज्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। मल्टीलेटरलिज्म का क्या मतलब है, जैसे देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन है, विभिन्न देश एक साथ आए नेगोशिएट कर रहे हैं किसी प्रकार का एग्रीमेंट करने के लिए, ये एक एग्जाम्पल है मल्टीलेटरलिज्म का। उसी प्रकार से WTO में जो नेगोशिएशंस होती हैं वो भी एक एग्जाम्पल है मल्टीलेटरलिज्म का। और आपके दिमाग में ये आया होगा अगर ये मल्टीलेटरलिज्म है तो बाइलेटरलिज्म या फिर यूनिलेटरलिज्म क्या है, जैसे देखो USA सिर्फ अपनी तरफ से ये डिसाइड कर लेता है कि ईरान पे हम सैंक्शन लगा रहे हैं और बाकी देश भी इसे फॉलो करे, मतलब एक ही देश सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, एक ही देश सब कुछ डिसाइड कर रहा है, ये एग्जाम्पल है यूनिलेटरलिज्म का। जब दो देश आपस में मिलकर बातचीत करते हैं कोऑपरेट करते हैं तो वो एग्जाम्पल है बाइलेटरलिज्म का। तो इंडिया ये चाहता है कि एक ही देश सब कुछ ना डिसाइड करें, विभिन्न देश मिलके पॉलिसी बनाएं जैसे UN में बनती हैं। तो इंडिया और मेक्सिको अगर मिलके काम करें तो मल्टीलेटरलिज्म जो है वो मजबूत होता है, इंटरनेशनल सिस्टम रूल बेस्ड होता है और G20 जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। इसी दिशा में रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसी महीने मेक्सिको से एक डेलीगेशन जो है इंडिया में आ रहा है जिसे लीड किया जाएगा वहाँ के फॉरेन अफेयर्स के जो वाइस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। वो इंडियन पार्टनर्स के साथ डायलॉग इस्टाब्लिश करेगा इनोवेशन और सोशल डेवलपमेंट के इश्यूज पर, कैसे आने वाले सालों में जो एम्बिशियस गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है देखो इंडिया और मेक्सिको के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेक्सिको के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनमें से एक है इंडिया। बायलेटरल ट्रेड 2018 में इंडिया और मेक्सिको के बीच था $10 बिलियन और 2009 में ये 4 गुना कम था, मतलब 10 सालों के अंदर अंदर जो ट्रेड है वो 4 गुना बढ़ चुका है। टूरिज़्म काफ़ी ग्रो कर रहा है, दोनों देशों की जो सिविलाइजेशन है काफ़ी रिच है, एंशियंट सिविलाइजेशन है। मेक्सिको के एम्बेसडर अपने देश की तारीफ करते हैं, वो बोलते हैं कि 2018 में हमारे देश में 41 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, पिछले साल की अपेक्षा कर 6% ज़्यादा, और हमारा जो देश है उन 6 देशों की लिस्ट में आता है जहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। जैसे इंडिया में 35 के आसपास, वैसे इंडिया में टोटल 37 के आसपास शायद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और ऑलमोस्ट इक्वल ही यानी 35 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं मेक्सिको में भी। मेक्सिको के एम्बेसडर के हिसाब से अच्छी बात ये भी है कि वो 20 देश जहां से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए मेक्सिको में उनमें से एक देश है इंडिया।
देखो टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, एक रीज़न ये भी है क्योंकि कनेक्टिविटी इंडिया और मेक्सिको के बीच अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, डायरेक्ट फ्लाइट्स अभी अवेलेबल हैं। और अभी ये जो डेलीगेशन इंडिया में आ रहा है इस हफ्ते, इससे तो देखो बायलेटरल रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। दोनों देश इसके अलावा कोऑपरेट कर सकते हैं स्पेस सेक्टर में, दोनों देश मिलके वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक सोशल पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों देश मिलके ग्लोबल एजेंडा को आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं जिससे दोनों देशों की कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो और दोनों देशों की कम्युनिटीज़ का फ्यूचर वेलबींग भी इंश्योर हो। चैलेंजेस भी काफ़ी हैं लेकिन दोनों देश एकजुटता दिखाएं तो उन चैलेंजेस को आसानी से निपटा जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और मेक्सिको की रिलेशनशिप के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल कुलभूषण जाधव के केस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपको कुलभूषण जाधव के केस के बारे में पूरा पता है, आपको ये भी पता है कि इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया, इंडिया ने कहा पिटीशन लगाई थी कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को रिहा करे, इस प्रकार का आदेश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिया जाए। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करें कुलभूषण जाधव को, उनका ट्रायल जो है वो फिर से रिकंसीडर किया जाए और इसके साथ साथ इंडिया को कौंसुलर एक्सेस दी जाए कुलभूषण जाधव की, इस प्रकार का वर्डिक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिया गया। तो क्या पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट किया? देखो आधे अधूरे मन से, एक बार इंडिया को काउंसुलर एक्सेस दी गई लेकिन उसके बाद फिर से मना कर दिया गया और अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि कुलभूषण जाधव को प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है और उनका जो ट्रायल है वो फिर से चल रहा है, ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ये उठता है आगे क्या, मतलब अब इंडिया के पास क्या रास्ता है? देखो यूएन का चार्टर ये कहता है सभी देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट का पालन करेंगे और पाकिस्तान अभी इसका पालन नहीं कर रहा है, तो इंडिया के पास एक ऑप्शन ये है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकता है। इंडिया जब वहाँ पे जाएगा तो केस प्रेजेंट कर सकता है कि देखो आईसीजे के वर्डिक्ट को पाकिस्तान फॉलो नहीं कर रहा है, डिबेट चल पड़ सकती है, पाकिस्तान भी अपने आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे दे सकता है कि हमने किया है या फिर क्या कमी है इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स में, जो भी होगा एक डिबेट हो सकती है वहाँ पे, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किसी प्रकार के रेजोल्यूशन को अडोप्ट कर सकता है। देखो पहले ऐसा हुआ है, निकारगुआ एक छोटा सा देश है जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में गया था मिलिट्री और पैरामिलिट्री एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट, मतलब यूएसए के अगेंस्ट गया था निकारगुआ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। अब देखो यूएसए एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया जाएगा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इस मामले में, ये उम्मीद करना बेमानी है क्योंकि यूएसए के पास वीटो पावर है और उन्होंने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। और इसके बाद निकारगुआ ने हार नहीं मानी, निकारगुआ जनरल असेंबली में भी गया, हालांकि यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा कुछ डिसीजन लिया जाएगा आईसीजे के वर्डिक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए, ऐसी पावर नहीं है जनरल असेंबली के द्वारा, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस मामले में जब वोटिंग करवाई तो 94 देशों ने निकारगुआ के पक्ष में वोट किया, यानी यूएस के अगेंस्ट वोट किया, और 47 कंट्रीज ने एब्सटेन किया। तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन यूएसए के ऊपर जरूर पैदा हो गया कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इतने सारे जो देश हैं वो आपके अगेंस्ट हैं इस मामले में। तो देखो इंडिया के साथ भी ऐसा हो सकता है, इंडिया जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान का परम मित्र चाइना जो है वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर ले और किसी प्रकार का रेजोल्यूशन इस मामले में अडोप्ट होने से रोके, लेकिन उसके बाद इंडिया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी जा सकता है जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा कि पाकिस्तान आईसीजे के वर्डिक्ट को नहीं मान रहा है। और देखो इससे भी ज़्यादा, जब देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये वर्डिक्ट आया था तो उस समय चाइना के जो अपॉइंटी जज हैं उन्होंने भी इंडिया के पक्ष में ही वर्डिक्ट दिया था, मतलब इस वर्डिक्ट के पक्ष में ही अपना वोट दिया था, क्योंकि बात अब इस चीज़ की नहीं होगी कि वर्डिक्ट सही था या फिर गलत था, बल्कि इस चीज़ की होगी कि किसी भी देश को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। तो हो सकता है चाइना भी अपनी वीटो का इस्तेमाल ना करे,
और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल किसी प्रकार का अच्छा डिसीजन दे। तो ये इंडिया के पास ऑप्शन है, इंडिया जा सकता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पास, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना सकता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट को अच्छे से फॉलो करें। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने चार इश्यूज पे फोकस किया, सबसे पहले जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, दूसरे नंबर पे हमने वाटर मैनेजमेंट के संबंधित इशू को डिस्कस किया, तीसरे नंबर पे हमने इशू डिस्कस किया क्या इंडिया मैक्सिको रिलेशंस, और चौथे नंबर पे कुलभूषण जाधव का केस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।